बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, खून का बदला। कल हमने सफ़ा नंबर 32 से पढ़ा था, आज हम सफ़ा नंबर 33 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 33 का दूसरा पैराग्राफ है, दिन गुजरते गए मगर सिपन हुल अपने वादे को ना भूली। वादा, अहद। मैं मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आप भी इसको अच्छी तरह से याद करें और पढ़ मेरे साथ साथ दोहराएं। वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती थी, बदला इंतकाम, लेकिन कोशिश के बावजूद अपने बाप के कातिल का पता ना चला सकी। कातिल, कत्ल करने वाला, पता जानना यानी कि जान ना सकी। उसे सिर्फ उतना ही मालूम था, पता था या उसके इल्म में था कि उसके बाप पर कोई शख्स गोली चलाकर पहाड़ों में गायब हो गया और लोग उसके बाप को जख्मी हालत में वहाँ से उठा लाए। गायब हो गया, छुप गया। किसी शख्स को कातिल के बारे में कुछ भी इलम ना था, इलम मालूम ना था, पता ना था। सिपन हुल इंतकाम की आग में जल रही थी, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। इंतकाम, बदला यानी कि बदले की आग में जल रही थी। वक्त गुजरने के साथ उसके जज्बात में कमी की बजाय शिद्दत पैदा होती गई। जज्बात, जज्बा की जमा है। शिद्दत, इसका मतलब है अजाफा, ज़्यादती। लोग उसे समझाते थे कि तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हो। तबाह, बर्बाद। अपने आप पर रहम खाओ, मगर सिपन हुल पर उन बातों का कोई असर नहीं होता था। रहम खाओ, तर्स खाओ। बदले के ख्याल में वो सब कुछ बोल चुकी थी, हत्ता के वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई थी। हत्ता के यह तक के गाफिल, बेखबर होना। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग निशान लगा लें, आपने यहाँ तक पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने हैं और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। इसके बाद अब हम अल्फाज मायने पढ़ते हैं। देखिए, वादा, अहद, कातिल, जिसने कत्ल किया हो, जज्बात, जोश, शिद्दत, अजाफा होना, तबाह, बर्बाद, रहम, तर्स, इलम, जानना। प्यारे बच्चों, कल हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। सिपन हुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया था? जवाब है, सिपन हुल ने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूं, मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। आपने इसको वावेन में कर लेना है, ठीक है? ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद आप लोग किताब से सफ़ा नंबर 37 निकालिए और सवाल नंबर 7 है। देखिए, सबक खून का बदला के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाइए। कॉलम अलिफ, कॉलम बे। रात, रात को हमने किससे मिलाना है? ख्वाब से। आँख, आँख को हमने मिलाना है आंसू से। जख्मी, जख्मी है बेहोश। घर, चार दीवारी।
रफा, ख़त्म, खून लतपत, हसरत काश। प्यारे बच्चों, आज का लेसन हमारा ख़त्म हुआ। आपने अच्छी तरह से अपना लेसन तैयार करना है। आपकी डायरी है, देखिए, पढ़ाई करें और सवाल नंबर 3 लिखिए।